और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी। और ऐसे में लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण, एमिशन, पोल्यूशन, जो कन्वेंशनल टावर टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं उनसे भी कई गुना कम होता है और कवरेज कई गुना ज्यादा, और उसके वजह से दाम कई गुना कम। मैं आपको बताता हूँ ये टेक्नोलॉजी क्या है। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है, शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर। और दो साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर खामोश और खुश थे, मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन, तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहाँ पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। इससे बड़ा टावर बला दुनिया में क्या हो सकता है? ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं, ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहां इलोन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहां पहाड़ों में बहुत कमियां हैं, मुश्किल आते हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने टेलीकॉम कंपनीज से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट, फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं, और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट, 200 वाट इतना ही था। और फिर फरवरी यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड में, जहां तापमान -15 -25 तक होता है, पहाड़ी के ऊपर हमारे साथियों ने लेजर का टेस्ट किया, ताकि ये जो लेजर बीम्स हैं जिसमें कि इंटरनेट की सिग्नल्स छुपी हैं, वो टावर से ट्रांसमिट हो और माउंटेन टॉप पर रिसीवर में रिसीव हो ये लाइट सिग्नल्स, और फिर वहां जो ट्रांसमीटर है वो स्कूल तक ट्रांसमिट करे, और स्कूल के रूफ टॉप पर जो रिसीवर्स है उसमें आए। इस सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था, क्योंकि लद्दाख में सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। अपनी दे जहां जहां पहाड़ी इलाके हों वहां खासकर ये बहुत ही कामयाब हो सकते हैं, वो फिर चाहे नेपाल के पहाड़ों में हो, पाकिस्तान के पहाड़ों में, अफगानिस्तान में हो, या दुनिया के किसी भी पहाड़ों में। आपको अब पहाड़ आपके प्रॉब्लम्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। लगभग 1.5 साल टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि ये एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है, अगर इसे हम आउट ऑफ बॉक्स वेज में करें। और फिर ये कंपनी पूरे पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज दूर से दूर, गरीब से गरीब लोगों तक भी 5G की सेवाएं पहुंचा सकता है। ये एक दुनिया को भारत का देन हो सकता है, माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।